नीतीश कुमार के जुबान खोलते ही कई सारे पोल खुल गए। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में जो तानातानी मची हुई है, जो एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है, उसका भी पोल भाजपा ने खोल दिया है। आपको बता दें कि भाजपा का खुफिया तंत्र है जो लगातार नीतीश कुमार के पीछे और उनकी हर नीतियों पर खुलासा करता आ रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब से NDA से अलग हुए हैं तब से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर नेता लगातार नीतीश कुमार की नीतियों, नीतीश कुमार के कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या है और क्या प्रशांत किशोर के साथ उनका रिश्ता है, उसको लेकर के अरविंद सिंह ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कांग्रेस के साथ रह करके और जयप्रकाश नारायण का गुणगान करने वाले, कांग्रेस की गोद में बैठ करके प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले नीतीश कुमार को ये हक नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लेकर के किसी तरह की कोई बात करें या उनको माल्यार्पण करें। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के विरुद्ध जो मुहिम चलाई थी, जो राजनीति की थी, उसको लेकर के देश को जब सबसे ज़्यादा उनको आवश्यकता थी तब उन्होंने कांग्रेस के सामने एक नया जो है कहा जाए तो देश को एकजुट में करने का कोशिश किया था। वहीं नीतीश कुमार उनके आइडियोलॉजी को लेकर के और उनके जो कारण हैं सारे उनको लेकर के जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह प्रशांत किशोर के साथ मिल करके वो रणनीति बना रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों को छलने के लिए कर रहे हैं। इन सब के बीच में अरविंद सिंह ने और भी कई तरह की बातें कही। यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार की अगली प्लानिंग क्या है और इस प्लानिंग के लिए ही वो प्रशांत किशोर के साथ भीतर ही भीतर रात के अंधेरे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे पर नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अरविंद सिंह ने इससे पहले भी कई बार कहा है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की जोड़ी तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रयास में लगी हुई है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को को ये कहना कि मैंने उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं की थी, जबकि प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने के लिए और जदयू ज्वाइन करने के लिए कहा था। क्या कुछ कहा है अरविंद सिंह ने, आप खुद सुनिए। और इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे कि अपना विचार भी भारत लाइव पर कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। आदरणीय प्रशांत किशोर जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी में आपसी गठजोड़ है। पहले प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री जी के अनुसार मुख्यमंत्री जी के ही आवास में रहते थे और रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री जी बुला करके बात करके और गाइडलाइन देते हैं और पूरे बिहार में भ्रमण कराते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं रात में बुला करके, और अब कहते हैं कि कांग्रेस में विलय करने के लिए कह रहे हैं। आप जो है कांग्रेस के गोद में बैठ करके और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के आत्मा को कुचलने का काम करके उनके सिद्धांतों पर प्रवचन दे रहे हैं, जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, और आप जो है लालू जी के गोद में बैठ करके और अति पिछड़ा का निकाय चुनाव में आरक्षण समाप्त करने का काम किया, कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसको पालन नहीं किया कि उस पैसा को हम लोग बंदर बांट करके आगे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में लगाएंगे, और आप जो है अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से भाजपा का मिली भगत है और हमको विलय करने के लिए सलाह देते हैं। अरे विलय करने के लिए सलाह हम नहीं देते हैं, आप पर अब बिहार की जनता विश्वास करने वाली नहीं है, चूंकि आप जो है कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।